सुशील मोदी जी ने बयान दिया दरभंगा में पप्पू यादव के खिलाफ और कहा कि हम किसी भी परिस्थिति में इस बिहार में दागी का कोई मतलब नहीं है, हम एन केन प्रकार हमको लोकतंत्र में दागी का कोई औचित्य नहीं है। अब मैं जब रिजल्ट हुआ 2100 विमेंस कॉलेज में 1600 वोट जदयू को और मगध महिला कॉलेज में 2200 में 1700 जदयू को, मैंने कहा कि जब 600 लड़कियां 800 टर्नअप नहीं हुई 2100 वोट डाला कैसे। राम जतन सिन्हा जी की पत्नी प्रिंसिपल सुहेली मेहता जिसको मैंने टिकट दिया था परबत्ता से, लाखों करोड़ों रुपया उस पर मैंने खर्च किया, वो जदयू ज्वाइन करा करके राम जतन सिन्हा को लोभ दिया कि तुम्हें जहानाबाद से मैं टिकट दूंगा, तुम अपनी पत्नी को कहो कि वोट किसी भी और इंटायर डिपार्टमेंट के सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बीसी के यहां बुलाया गया, ज्योग्राफी को, साइंस को, अन को, और कहा अपने अपने डिपार्टमेंट में आप अपना वोट यदि आप दिलाए किसी भी कीमत पर। मगध और महिला कॉलेज से प्रशांत किशोर ने वोट ले लिया और साइंस और पटना कॉलेज में प्रशांत किशोर को 600 से ज्यादा वोट नहीं मिला। उनका जिद था कि प्रशांत किशोर जो चाहता है वो करता है और वो चुनाव जीत गए। हम 2400 वोट ला करके चुनाव, हमारा ज्वाइंट सेक्रेटरी और मनीषा सिन्हा 2100 वोट ला करके हम चुनाव हार गए। अब मैं आपसे पूछता हूं, पांचों साल पप्पू यादव आपके साथ, जितना आपके माता पिता आपके साथ खड़े नहीं होते हैं, सुबह 3 बजे कोई लड़का आके कहता है कि भाई जी पप्पू यादव जी से मिलना है, मेरे पापा बीमार हैं, मेरी माँ बीमार है, मुझको बचा ले, शायद मैं अपने माँ बाप से ज्यादा उसके लिए खड़ा हो जाता। हर दिन ताली मत बजाइए किसी कीमत में, हर दिन आपको क्या लगता है कि एक दिन में पप्पू यादव कितने लोगों की मदद करता हो, शायद आप सोच नहीं सकते हैं, अंदाजा आपके बस की चीज नहीं। मां बाप अपने बच्चों से पूछता है कि 5000 से ज्यादा रुपया तुम क्या करोगे पटना में दिल्ली में, पप्पू यादव दूसरों के बच्चों से यह कभी नहीं पूछा कि तुम 10000 तुम्हारी जरूरत क्या है। यदि महीने में 2 बार वो लौट के आए तब भी मैंने उनसे नहीं पूछा दिल्ली में कि तुम फिर दोबारा पैसा लेने या मदद लेने या किसकी क्यों आए। मैं कभी मदद में और लोगों के साथ खड़े रहने में, जिंदगी में हमारी उम्र 51 साल हो गई, मैंने कभी किसी क्षेत्र को, किसी भाषा को, किसी जात को, किसी धर्म का, किसी मजहब का मेरे खून में कभी भी आज तक मैंने जाना ही नहीं। इंसान के अलावे मैं हूं कौन, मैं एक पप्पू हूं, मुझे जीना है किसके लिए, मैं आया क्यों। और जब हम चुनाव हार गए और 1 महीने के अंदर प्रशांत किशोर आकर के और माफियाओं के बदौलत चुनाव जीत गया, मेरे मन में यह सवाल आया क्या पप्पू यादव को छात्र की राजनीति करनी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए। क्या हुआ, गांव में 500 रुपया या 5000 या 1000 रुपया लेकर के कोई आदमी वोट देता था तो मुझे लगता था कि चलो भाई उनको आपने किसी तरीके से उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति ऐसी है तो किया, लेकिन यदि छात्र और यूथ को कोई व्यक्ति संघर्ष और उसके विचारों से अलग हट करके पप्पू यादव जैसा पागल आदमी जिसको माँ से और बाप पिता से कम प्यार ना करता हो उसको कोई उसके विचारों को खरीद ले तो क्या पप्पू यादव को का रास्ता क्या बचता है बिहार।
मेरे पास पैसे ना हो तो क्या पप्पू यादव राजनीति कर पाएगा? आप लोगों ने 70 सालों से आपके पिता ने माँ ने राजनीति की। मैं आपसे पूछता हूं, इस भारत में गरीबी रेखा के बाद अमीरी रेखा के सवाल पर आज तक कोई तय क्यों नहीं? किसी नेताओं ने, किसी लोगों ने ताली उली मत बजाई? किसी लोगों ने आज तक अमीरी रेखा की बात क्यों नहीं की? इस भारत में वही डरावना चेहरा, वही डरावना सवाल, आम आदमी की बात इस भारत में कभी क्यों नहीं हुई? वही आजादी, वही बैकवर्ड फॉरवर्ड, वही हिंदू मुसलमान, वही मंदिर मस्जिद, वही डीएनए। अगले बार नीतीश कुमार जी का डीएनए खराब था, इस बार उपेंद्र कुशवाहा जी का डीएनए खराब हो। चुनाव में गोत्र पूछा जाता है कि आप ब्राह्मण हैं तो कौन सा गोत्र है? गुजरात का चुनाव हुआ, विकास पर नहीं हुआ। किसी ने नहीं पूछा कि गुजरात में यूथ को नौकरी मिलेगी कि नहीं, और गुजरात में आम आदमी की जिंदगी बदलेगा कि नहीं। गुजरात में चुनाव हुआ जिग्निवेश, पट्टेदार, अल्पेश, पाकिस्तान, नीच और मंदिर, ये 5 मुद्दे थे गुजरात में। बेंगलोर का चुनाव 3 मुद्दा, लिंगायत, बुक लिंगायत और जिन्ना। विकास पर बहस नहीं हुई। 6 साल के बाद वहां पानी नहीं मिलेगा। बेंगलोर के लोगों को पानी पीने के लिए तरस आएगा, 200 किलोमीटर पर पानी लाना पड़ेगा। यह मुद्दा नहीं था, यह मुद्दा पप्पू यादव का बना। जब हम आईटीएन की मीटिंग में भाषण देने गए तो आईटीएन ने मुझसे पूछा कि भी सवाल था बिहार, लेकिन मुद्दा बन गया गुजरात। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दा विकास नहीं था, मुद्दा था लव जिहाद, गाय, गंगा, गोरू, छिपकली, जय श्री राम, परशुराम, भीम, भामा, पद्मावत, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरी, दीपावली, ये मुद्दा था उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा राज है और वहां के यूथ को नौकरी कैसे मिलेगी, ये मुद्दा नेताओं ने नहीं उठाया। गंगा बुला रही है, जमुना नहीं बुला रही है, कोसी नहीं बुला रही है, महानंदा नहीं बुला रही है, सोन नहीं बुला रही है, भूति बलान नहीं बुला रही है, गंडक नहीं बुला रही है, गंगा बुला रही है। गंगा का पानी, जमुना का पानी, कोसी का पानी, ब्रह्मपुत्र का पानी, झेलम का पानी, गंडक का पानी, बलान का पानी, भूति बलान का पानी, महानंदा का पानी, पानी तो पानी है, फिर गंगा ही क्यों बुलाई? और बुलाई तो हुआ क्या? सवाल वो था। बिहार का चुनाव हुआ बैकवर्ड फॉरवर्ड, अखलाक और गाय, आरक्षण, डीएनए, मेरा बेटा को गाली दे दिया, मेरी बेटी को गाली दे दिया। बिहार का यूथ पढ़ेगा कि नहीं, बिहार की बेटी तरक्की करेगी कि नहीं, बिहार की घर जिंदगी बदलेगा कि नहीं, यह मुद्दा किसी नेताओं ने समाज में नहीं उठाया। आपके पिता ने यह मुद्दा सुनना पसंद नहीं किया। आपके पिता को पसंद आया अखलाक, गाय, नीतीश जी का डीएनए, लालू यादव का बैकवर्ड फॉरवर्ड। अगले बार लालू यादव ने आरक्षण का सवाल खड़ा कर दिया और इस बार इसी पूर्णिया के धरती से कॉलेज में आए, एसटी एससी का यहां बखेड़ा खड़ा किया और नीतीश कुमार ने आरक्षण पर एक सवाल खड़ा किया। मुझे एक बात समझ में आज तक नहीं आई, आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, बेटी भी हमारी, बहन भी, हमारे बुजुर्ग नीचे और बैठे हुए हैं, मुझे आप एक बात बताइए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए किसी संविधान को बदलने के लिए, और एक लोकसभा में 87% माइनोरिटीज, ईसी, ओबीसी, दलित, ओबीसी, ईबीसी, माइनोरिटीज और दलित के सांसद हैं। पप्पू यादव की बाप की औकात है कभी ऐसे सवालों को संविधान बदलने के लिए, जहां 87% सांसद ओबीसी, ईबीसी, अत्यंत पिछड़ा, एसटी एससी, दलित और माइनोरिटीज के लोग हों, वहां कोई सोच भी सकता है कभी संविधान बदलने के लिए?
फिर दूसरी बात, जब नीतीश कुमार जी आप और नरेंद्र मोदी दोनों सरकार आपकी एक जगह है, तो यह सवाल बिहार को बताना चाहिए कि आरक्षण खत्म कौन कर रहा है, बांग्लादेश और नेपाल का प्राइम मिनिस्टर, जब दोनों एक हैं तो। फिर यह सवाल सेंटिमेंटल सवाल लोगों के बीच आप ले गए, क्योंकि आपको इवेंट्स मैनेजमेंट करना है, जैसे अगले बार लालू यादव जी ने इवेंट्स मैनेजमेंट किया। अब एक पार्टी कहती है संविधान खतरे में है, मुझे समझ में नहीं आता, यहां बेटी बैठी है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को किसी को छेड़ने की हिम्मत इस भारत में हो सकता है? आग लग जाएगी। फिर यह सवाल, नेता पैदा क्यों करते हैं? नेता पैदा आपकी बात क्यों नहीं करता? नेता अपनी बात क्यों करता है? नेता का ही डीएनए खराब क्यों होता है? अभी राजस्थान के चुनाव में दो सवाल सामने आया कि राहुल गांधी बावन है तो कौन सा गोत्र है, और प्रधानमंत्री ने कहा मेरी मां को गाली दे दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये रोटी के लिए और आपकी जिंदगी के लिए गोत्र सवाल है, या पप्पू यादव की मां को किसने गाली दी? हर गरीब के हर कोई ऐसा गरीब है जिसकी मां को डेली गाली नहीं पड़ता होगा? एक दबंग आदमी गाली नहीं देता है, पड़ोसी गाली नहीं देता है। इन नेताओं के लिए गरीब और आम आदमी, कमजोर आदमी, क्या यह वरदान अभिशाप है? यह आम आदमी, क्या आम आदमी जी नहीं सकता है? सवाल, बिहार का निर्माण क्यों नहीं होता है? 17 साल और 32 साल के अंदर आपको आश्चर्य होगा, इस बिहार के किसी भी अस्पताल में एक एक्सरे मशीन नहीं है आज तक। 17 साल लालू यादव जी, 15 साल नीतीश कुमार, वही डरावना नाम, वही डरावना सवाल, वही एसटी एससी स्वर्ण आरक्षण मंदिर बनेगा चुनाव के वक्त, 4,500 करोड़ की मूर्ति लगेगी, राम का तो 10,500 करोड़ की मूर्ति लगेगी, सरदार पटेल का, वाल्मीकि की मूर्ति भी तो लगा लीजिए, रचना तो उसी ने की थी। वाल्मीकि दलितों के घर में कैद हो गया और राम पप्पू यादव के घर का डेयरी का नुमाइंदा बन गया। यह सवाल रोटी और पेट का नहीं है। इस बिहार का, इस देश का यूथ और गरीब जीना चाहता है अपनी बहन के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पप्पू यादव 5 साल आपने हमको वक्त दिया, और 5 साल के अंदर यदि पप्पू यादव की क्षमता आपके लिए जीने की नहीं हो सकती है, तो 10वें साल के बाद पप्पू यादव की क्षमता घटेगी कि बढ़ेगी? हम सत्ता में, इस भारत के बाहर एक भी व्यक्ति को 10 साल से ज्यादा संवैधानिक पदों पर रहने का अधिकार नहीं, राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर के पद पर नहीं रह सकता। फिर भारत में 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल एक व्यक्ति एक पदों पर क्यों बैठता है? 10 सालों में जो व्यक्ति काम नहीं कर सकता है, क्या वो 11 साल काम करेगा? यह सवाल पप्पू यादव का आपके बीच है। 3 साल में एक दरोगा को आप कहते हैं हटा दीजिए, 3 साल में एक वीडियो को कहते हैं नहीं हटाइएगा, तो किसी न किसी से यहां दोस्ती कर लेगा, रिश्तेदारी करेगा और समाज के गरीबों का शोषण करेगा। तो जब दरोगा, कलेक्टर, बीडीओ, पदाधिकारी 3 सालों में हटेगा, तो फिर ये नेता 10 साल से ज्यादा क्यों रहेगा? 5 साल बहुत है। और 32 साल, 62 से वही डरावना नाम, वही रामविलास पासवान, वही शरद, वही मांझी, वही लालू, वही नीतीश, वही सुशील मोदी, वही उपेंद्र, वही डीएनए, वही नीच, वही बैकवर्ड फॉरवर्ड, वही आरक्षण, वही एसटीएससी, वही हिंदू मुसलमान, वही मंदिर मस्जिद, वह नाम और वह सवाल। किसी ने नहीं कहा कि इस गरीब की जिंदगी हम बदलने के लिए तैयार, किसी ने नहीं कहा कि पूर्णिया के सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड होगा, सीटी स्कैन होगा, एमआरआई होगा, पूर्णिया का सदर अस्पताल दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा, यहाँ के गरीब, क्या कारण है कि हिंदुस्तान के हर अस्पतालों में पप्पू यादव को बात करना पड़ता है? क्या कारण है कि हिंदुस्तान के
लगभग अस्पतालों में जब किसी की माँ को बंधक बना ली जाती है, किसी के बेटे को, किसी के भाई को, तो फिर पप्पू यादव को फोन करना पड़ता है। आम लोग ये सवाल क्यों नहीं खड़ा करते? ये सवाल हम नेताओं के लिए क्यों नहीं है? एक टेक्नीशियन नहीं है, एक लैब नहीं है, एक जांच नहीं होता है, बैंडेज नहीं मिलता है सदर अस्पताल में, 60% डॉक्टर नहीं है, आपको आश्चर्य होगा। और वह भी व्यक्ति भी कहता है कि मैं बदलूंगा। 32 सालों में जिसने एक टीचर को पैदा नहीं कर सका, नियोजित शिक्षक की लड़ाई पप्पू यादव, SSC की लड़ाई पप्पू यादव, UPSC की लड़ाई पप्पू यादव, BPSC की लड़ाई पप्पू यादव, DEd की लड़ाई पप्पू यादव, TET की लड़ाई पप्पू यादव, मैट्रिक में बच्चे फेल करें तो लाठी खा के जेल में 20 दिन बंद हो पप्पू यादव, इंटर का में बच्चे फेल हो तो पटना में लाठी और गोली खाए पप्पू यादव, BTech की नौकरी ना लगे तो लाठी खाए पप्पू यादव, दरोगा की बहाली में धांधली हो तो सुप्रीम कोर्ट जाए पप्पू यादव, संविदा और आंगनबाड़ी, ममता और आशा की लड़ाई लड़ना हो तो जेल जाए पप्पू यादव, मानव पल की लड़ाई लड़ना हो तो पप्पू यादव, रसोईया के 1100 रुपया से 1300 रुपया बढ़ाना हो और 10 महीना का मात तनख्वाह हो उसकी आवाज उठाना हो तो पप्पू यादव। ये सवाल हिंदुस्तान का नेता क्यों नहीं उठाता? जिस दिन चुनाव हो रहा था उसी दिन IGMS की एक मासूम लड़की ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली, उसने अपने पापा को फोन लिखा, चिट्ठी, मम्मी पापा मुझको माफ कर देना, मैं आपकी जिंदगी में शेयर नहीं कर सका, 6 महीने के मेरे बेटे की जिंदगी बचा के आप रखना, शायद मेरे बच्चों को देखने वाला कोई नहीं, मैं 10 दिनों से अपने टीचर से तंग आ गया था। और वो आत्महत्या कर ले, फिर उसको कोई सोचने वाला नहीं, और उसके बाद शुरू हो गया वहां लाठी गोली, वहां कोई जाने वाला नहीं मिला। शेल्टर हाउस, जब पप्पू यादव को यह पता चला कि बिहार के शेल्टर हाउस की हर बेटियों को जिंदा जला दिया गया है, यह सवाल जब हम लोकसभा में उठाए तो फिर यह सवाल हम 3 बार जाकर के मुजफ्फरपुर बंद किए। ब्रजेश ठाकुर ने पप्पू यादव को 100 करोड़ रुपए में, 10 करोड़ रुपए में पहले खरीदने की कोशिश की, फिर उन्होंने ऑफर दिया 20 करोड़। हम और रंजीत रंजन जी इस सवाल को लोकसभा में उठाए, जब हमने पदयात्रा की लोगों ने कहा पागल, फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद पप्पू हम बहस के लिए खड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा पप्पू जी आपको लॉयर नहीं है तो कोई और लॉयर में दे देता हूं, लेकिन आप अपना पक्ष आप रखवाइए ना। हमने अपना पक्ष बिहार के शेल्टर हाउस और उत्तर प्रदेश के शेल्टर हाउस के बारे में रखवाया। आपको आश्चर्य होगा, एक शेल्टर हाउस में 11 बच्चियों को जिंदा काट के दबा दिया गया। या जब CBI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पप्पू यादव की बात सच है, और जब हम 17 शेल्टर हाउस के बारे में लगातार सुप्रीम कोर्ट में जाते रहे और हर डेट में हम जाते रहे और हमने कहा कि हमको यह शेल्टर हाउस में इंक्वायरी CBI की चाहिए, सभी लोग इसको मजाक बनाए, कौन बेटी सुरक्षित है इस देश में? 21.8% बच्ची और बच्चा ये अपने पड़ोसी से सुरक्षित नहीं है, ये भारत का सर्वे। 22% अपने दोस्तों से सुरक्षित नहीं, 22, और 9.8% अपने रिश्तेदारों से सुरक्षित नहीं, और उसके बाद इन नेता पदाधिकारी माफियाओं से, इन दलालों से सुरक्षित नहीं। क्या किसी स्कूल में कोई बच्ची महफूज है? मां की नजरें गायब हुई, बच्चे और बच्चियों को कोई नहीं बचा सकता। ये मेरा सर्वे है पर्सनली, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, यदि मां ने अपनी आंखें बंद कर ली तो उसके बच्चे का यौन शोषण तय है। यह सवाल लोकसभा में मैं बार बार उठाता था, यह सवाल हम कस्तूरबा स्कूल में जब जांच करके गए और जवाहर नवोदय विद्यालय में, मैंने कहा कि वहां की बच्ची और बच्चे सुरक्षित नहीं है। SPR ने मुझसे बुला करके पूछा, मैंने SPR को एक एक बात बताई, लेकिन इंक्वायरी तब तक नहीं हुआ। ये सारे सवाल पप्पू यादव ही क्यों उठा? ये सारा सवाल नेताओं के लिए क्यों नहीं है? आप याद करिए कि स्कूल के एक कॉलेज के स्टूडेंट को मार दिया था पारस हॉस्पिटल, पप्पू यादव ने 5 लाख रुपया उसको लौटाया था।
याद करिए, अंशुमाला झा जिस छात्रा को पति छोड़ दिया था, किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था, पप्पू यादव एक बेटी की तरह उसके लिए खड़ा था। कहीं भी बिहारियों का सवाल होता है, पप्पू यादव खड़े। मैं आपसे बहुत ही, आपने वोट दिया आज तक नीतीश कुमार, लालू यादव, नरेंद्र मोदी जी, मेरा सवाल है आपसे, लालू यादव और नीतीश कुमार की एक उपलब्धि बताइए, सिंगल 1.2% इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में लगभग 53 सालों से नहीं पैदा किया। सबसे ज्यादा दुनिया के मुल्क का मजदूरों का पलायन बिहार, बिहार में कोसी सीमांचल सबसे ज्यादा। जिस लालू यादव नीतीश कुमार जी ने आज तक एक स्कूल पढ़ने लायक ना बनाया हो, गरीब और मिडिल क्लास का, इसमें कितने लोग हैं जो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? एक भी आदमी सरकारी स्कूल इंडोनेशिया में 98.9% स्कूल सरकारी स्कूल में लोग पढ़ते हैं, 1.2% प्राइवेट स्कूल में लोग पढ़ते हैं, और भारत में पढ़ने वाले जो संख्या है उसमें 98% लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद भी ये लोग लीडर हैं, जो लीडर 32 सालों में एक रोजगार पैदा ना कर सके, जो लीडर 32 सालों में एक दवाई नहीं दे सके आम आदमी को, जो लीडर, सबसे बड़ी जरूरत आपकी क्या है? आप बीमार पड़िएगा तो आपको सबसे ज्यादा डॉक्टर की जरूरत और अस्पताल की जरूरत पड़ती है, और सबसे ज्यादा पैसा आपका खर्च होता है अस्पताल में। एक मुख्यमंत्री, एक पप्पू यादव यदि आम आदमी के सवालों पर खड़ा नहीं उतरता है, हम आपसे पूछ, आपने 32 साल तो दिया, क्या 32 साल काफी नहीं है? क्या आपके मन में नहीं होता है कि एक बार परिवर्तन हो? हम बिहार के युवाओं से पूछना चाहते हैं, आप जीना चाहते हैं कि नहीं? आप कमाना चाहते हैं कि नहीं? आप 10,000 से 20,000 40,000 का महीना चाहते हैं कि नहीं? आपको नौकरी कहां मिलेगी? मैं यूथ से जानना चाहता हूं, डीएड किया हुआ लड़का की उम्र खत्म हो गई लगभग 42%। पप्पू यादव थक गया कि डीएड और टीएटी करने वाले लड़के की उम्र खत्म हो रही है, किसी कीमत पर आप रोजगार निकालिए। ये जो एसएससी आज जो एग्जाम हो रहा है, ये तीसरे बार एग्जाम है, 2 बार पहले हो चुका है, और ये एग्जाम से पप्पू यादव के जीत के चलते हुए, और फिर ये एग्जाम नहीं होगा। आप के मन में यह नहीं होता क्या परिवर्तन करें? आपके पूर्णिया में कोस्ता, बरिस्ता, सीसीडी, कॉफी बीन, केएफसी, आप निकले तो मुस्कुराना सीखे, आप निकले तो जिंदगी आपको जीने के तरीके बताए। वही बिहार, वही बिहारी, वही चूड़ा का भुंजा, वही पेच्चा का साग, वही बथुआ का साग, वही रोटी, वही सुमती की मछली, वही जात पात, वही हिंदू मुसलमान, वही बैकवर्ड फॉरवर्ड, वही राजपूत जाधव ब्राह्मण भूमिहार मंडल धानु तेली, वही कुशवाहा, कब तक एक होटल में जीने के लायक नहीं है? नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं पेरिस बना दूंगा पटना को, और एक मजदूर पलायन नहीं करेगा। नीतीश के मुख्यमंत्री बनने के बाद 40 लाख मजदूर महीना में बाहर जाता है, 50,000 मजदूर सिर्फ सहरसा स्टेशन से बाहर जाता है, और जिसमें सिर्फ 21 लाख मजदूर कटिहार, अररिया, किशनगंज और सुपौल, ये 4 जिले से पूर्णिया और सहरसा, जिस ट्रेन में जाइएगा आपको इसके मजदूर मिले। 9 दिन का बच्चा को मूसा कुतर के मार दिया डीएमसीएच में, मां आईसीयू में भर्ती थी, बच्चा बच्चे के रूम में भर्ती था, 11 मूसा उस बच्चे को कुतर के मार दिया, कोई देखने वाला नहीं।
पप्पू यादव को जाना पड़ा। अभी 15 दिन पहले, 1.5 महीना पहले एक शुगर 1 महीने के बच्चों को हॉस्पिटल से निकाल के चीर दिया। इसी बिहार में ये इशू नहीं बनता। बेगूसराय में कुशवाहा छात्रावास को के 4 लड़के को इसीलिए तंग किया गया कि 1 लीटर पानी पप्पू यादव के दुकान से नहीं खरीदा। वो उस तीनों पांचों कुशवाहा छात्रावास के लड़के को उठाया, रद से मारा, यौन शोषण किया, फिर मन नहीं भरा तो एक दूसरे के साथ समलैंगिक करा करके पैर में गोली मार करके छोड़ दिया। पप्पू यादव को जाना पड़ा। हमको चैलेंज दी गई कि आप उस महल में नहीं जा सकते। रात के 12 बजे पदयात्रा से हम उस महल्ला पहुंचे जहां उस कुशवाहा छात्रावास के बच्चों को यौन शोषण करके वीडियो वायरल किया, पैर में गोली मारा और फिर पप्पू यादव वहां पहुंचे। मेरे जाने के 10 दिन के बाद 5 कुशवाहा नेता पहुंचे, सम्राट सरकार से, उपेंद्र कुशवाहा सरकार से, रेणु कुशवाहा से सरकार से और एक आलोक मेहता विपक्ष। ये 5 जाकर के इस सवाल को दबा दिया। वो 5 लड़का मुझको मैसेज किया, मैं मिलना चाहता हूं। हम फिर रैली करके गए मिलने के लिए। जब हम उस लड़के के पास मिलने गए तो हमसे पूछता है, अंकल मेरी जिंदगी क्या उचित है अब जीना? मैं मर जाऊं या आतंकवादी बनूं? अंत में उस लड़के ने मुझे मैसेज किया कि मैं मरने पर हम 5 आत्महत्या करना चाहे लेकिन निर्णय लिए हैं कि फिर किसी लड़के का इस तरह की हालात ना हो, इसलिए हम लोग अब लड़ना चाहते। और ये लड़ाई पप्पू यादव पटना में एडीएम एसडीएम और एक सिपाही को डेंगू से मर गया। पहली बार सिपाही क्रांति के बाद, सिपाही विद्रोह के बाद पहली बार सिपाही क्रांति पूर्णिया पटना के धरती पर। एसपी को पीटा, डीएम को पीटा।